ओके सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट का सेशन थर्ड थर्ड सेशन शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है डिफरेंट वेज ऑफ शोइंग आउटपुट इन जावास्क्रिप्ट, हम किस तरह से आउटपुट को दिखा सकते हैं जावास्क्रिप्ट, और इसी चीज पे आज से पहले डिस्कस करते हैं। और फिर समय बचा तो फिर हम देखेंगे एक्सेसिंग CSS properties of any HTML element in JavaScript। एट्रीब्यूट एक्सेस करना कल की क्लास में देख लिया हुआ है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, और फिर आप आई डी का नाम लिखने के बाद जो भी एट्रीब्यूट चाहिए आप उस एट्रीब्यूट का नाम लिख सकते हैं। हम सी एस एस प्रॉपर्टी भी देखेंगे किस तरह से एक्सेस करना है, और some more examples of accessing attributes and CSS properties। तो देखते हैं जो आज हो जाएंगे तो आज कंप्लीट करेंगे, जो बचेंगे कल कंप्लीट करेंगे। तो डिफरेंट वेज ऑफ शोइंग आउटपुट वो सबसे पहले शुरू करते हैं, किस किस तरह से आउटपुट को दिखा सकते हैं जावास्क्रिप्ट। देखिए कई सारे तरीके हैं, तो वी कैन शो द आउटपुट inside JavaScript in various ways, like पहला तरीका यह है using document dot write function, यह हमने देखा हुआ है document dot write से कर सकते हैं। document dot write से हमने अभी करके देखा, we have already completed it, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। इसका साथ क्या काम होता है, इट विल ओवरराइट कंटेंट ऑफ वेब पेज। जब भी आप इसे कॉल करेंगे किसको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को, जैसे हमने किसी इवेंट पे क्लिक किया और राइट किया, तो जो भी लिखा हुआ पेज में पहले से वो ओवरराइट हो जाएगा, इसके इश्यू है। हाँ, we can use any HTML tag inside document.write। तो हम इसका एग्जाम्पल कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। हमने मान के चलिए एक HTML बनाया, HTML में हेड बनाया, हेड के बाद टाइटल वगैरह बनाया, हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाया और एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, शो मैसेज नाम का एक फंक्शन बना लिया, और यहाँ पर हमने लिख दिया document.write, और हमने कोई भी मैसेज दे दिया, हमने मैसेज दे दिया वेलकम टू जिस्ट, ये हो गया मैसेज, और हमने इस फंक्शन को बंद कर दिया और इस स्क्रिप्ट को हमने बंद कर दिया। तो स्क्रिप्ट में एक फंक्शन बनाया जिसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने बंद कर दिया हेड को, और हेड बंद करने के बाद हमने शुरू किया बॉडी। बॉडी के अंदर केवल एक हमने बटन बनाया, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू, हमने यहाँ क्लिक किया शो मैसेज, ये वैल्यू है, ये फंक्शन का नाम नहीं है, फंक्शन का नाम हम किस में लिखेंगे, ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन का नाम दे दिया। जो भी फंक्शन का नाम है, जो स्पेलिंग है, जिस केस में लिखी है, वही का वही लिखिएगा यहाँ पर, और हमने इसे बंद कर दिया, और यहाँ पे बॉडी बंद कर दिया, और यहाँ पे HTML बंद किया। अब अगर मैं इस कोड को चलाऊं, ठीक है, यहाँ डैश 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 यहाँ पे लिखा हुआ, पे टाइटल के लिए हमने छोड़ दिया था, तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, टाइटल भी लिख देते हैं, हेड लिखिए, हेड के अंदर हमने लिख दिया टाइटल, और हमने JS example लिख दिया slash title। अब अगर आप इस पेज को चलाएंगे तो सबसे पहले क्या देखिएगा, एक बटन आएगी केवल इस पर, वेब पेज पर, लेकिन जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो जावास्क्रिप्ट चलेगा, ये फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन क्या चलाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक मैसेज प्रिंट करेगा, लेकिन जब ये मैसेज आएगा तो मेरी बटन गायब हो जाएगी, क्योंकि ये ओवरराइट कर देगा, ये क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा। तो वही चीज देखनी है आपको कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट जब भी बाद में कॉल होता है तो आपकी डिजाइनिंग को इफेक्ट करता है। मैंने इसे सेव किया js example3.html। जब भी सिंगल पेज जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे HTML के अंदर, तो पेज का नाम .html ही रखना है। ये देखिए बटन आ रही है शो मैसेज, मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए शो मैसेज तो गायब हो गया, यहाँ पर वेलकम टू जिस्ट आ रहा है। वापस मुझे उसी पेज पे जाना तो रिफ्रेश करना है, तो ये देखिए इट्स अ ड्रॉबैक ऑफ document.write।
तो प्रेफरेबल ज्यादा नहीं है, तो एक तरीका हम सीख चुके हैं, अब दूसरा तरीका देते हैं। तो फर्स्ट वन इज क्लियर, पहला आउटपुट स्टेटमेंट क्या देखा हमने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। दूसरा है यू कैन यूज विंडो डॉट अलर्ट फंक्शन टू शो द आउटपुट इनसाइड अ मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स के अंदर अगर आपको कोई आउटपुट दिखाना है मैसेज बॉक्स के अंदर, तो आप क्या यूज करेंगे, विंडो डॉट अलर्ट। इस तरह से देखिएगा, वो भी आपको एग्जांपल से हम दिखा रहे हैं, विंडो डॉट अलर्ट, यहाँ पर आपको मैसेज वगैरह या आउटपुट मैसेज दे देना सेमीकोलन लगा। एग्जांपल देखते हैं इसका, एग्जांपल ज्यादा टिपिकल नहीं ले रहे हैं, वही एग्जांपल ले रहे हैं जो पिछला भी हमने किया। यहाँ पे शो मैसेज लिखा हुआ है, शो मैसेज ही फंक्शन बने रहने देते हैं, बट यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट को हटाकर हमने क्या लिखा, विंडो डॉट अलर्ट, ठीक है। बाकी सब कुछ एज इट इज है, हमने वेलकम टू जिस्ट ही लिखा रहने दिया, फंक्शन भी वैसे की वैसे कॉलिंग है, हम यहाँ बटन पे क्लिक करेंगे शो मैसेज कॉल होगा, लेकिन हमें ये देखना है कि जब ये शो मैसेज कॉल होगा तो इस मैसेज को वेलकम टू जिस्ट को कहाँ पर दिखाता है, तो हमने इसी चीज को अपने सब लाइन टेक्स्ट में भी अपडेट किया। तो हम अपने कोडिंग पे गए और हमने यहाँ पे इस लाइन को हटाकर क्या लिख दिया, विंडो डॉट अलर्ट, कंट्रोल एस किया और हम पेज को रिफ्रेश करेंगे। आई थिंक पेज क्लोज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने इसको राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर किया। अब देखिए इस बार अगर मैं इस ब्राउजर इस बटन पे क्लिक करूंगा तो किस तरह से आएगा, मैंने यहाँ लिखा वेलकम टू जिस्ट, देखिए आ रहा है वेलकम टू जिस्ट, किस तरह से आ रहा है, एक मैसेज बॉक्स में, कहीं भी पेज में नहीं लिखा हुआ है, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ एक बॉक्स खुल के आ रहा है ये देखिए सामने, और इसमें वेलकम टू जिस्ट लिखा हुआ है, जैसे मैं इस ओके पे क्लिक कर रहा हूँ बॉक्स ऑटोमेटिकली हट रहा है। तो ये अलर्ट से पॉसिबल है, तो जब कोई ऐसे मैसेज प्रिंट करना है जो कोई रिजल्ट दिखाना है, जैसे आप आगे यूज करना पड़ेगा हमें, हमने यूजर नेम पासवर्ड डाला अब गलत है, तो इस तरह से मैसेज में आ जाए सॉरी इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, तो जो चीज मुझे डिजाइनिंग में नहीं दिखानी है, डिजाइनिंग में परमानेंट नहीं दिखानी, उसके लिए आप क्या यूज कर लीजिए, विंडो डॉट अलर्ट, ये दूसरा हो गया एग्जांपल। थर्ड वन इज, तीसरा तरीका है यूजिंग कंसोल डॉट लॉग फंक्शन, सो फंक्शन कंसोल डॉट लॉग, तो दिस फंक्शन विल शो द आउटपुट इनसाइड द ब्राउजर कंसोल, ब्राउजर्स कंसोल टू व्यू दिस आउटपुट वी हैव टू इंस्पेक्ट द ब्राउजर, इंस्पेक्ट द वेब पेज, मुझे वेब पेज को इंस्पेक्ट करना होगा रन करने के बाद, वो दिखाएंगे कैसे करते, तो ये इट इज नॉट मच यूजफुल मेथड, ये बेसिकली यूज होती है डिबगिंग या एरर वगैरह सर्च करने के लिए, तो दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड फॉर डिबगिंग, डिबगिंग या फिर हम कह सकते हैं एरर डिटेक्शन पर्पस, तो ये किसी चीज को प्रिंट करने के लिए नहीं, बेसिकली एरर वगैरह दिखाने के लिए, एरर वगैरह को प्रिंट करने के लिए होती है, बट हम इससे भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन दिखेगा कहाँ, वेब ब्राउजर पर नहीं देखेगा, सॉरी वेब पेज पर नहीं दिखेगा, ब्राउजर के कंसोल पर दिखेगा, और वो देखने के लिए मुझे इंस्पेक्ट करना होगा वेब पेज को। तो कैसे, हम फिर वही एग्जांपल एक बार यूज कर लेते हैं, और यहाँ पर हमने यही एग्जांपल लिया, सिर्फ कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको सिर्फ उनका वर्किंग समझानी अभी, तो फिर हम बड़े एग्जांपल लेकर या कोई और इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखा, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट क्या कर दिया लॉग, ठीक है इतना ही चेंज है, कंसोल डॉट लॉग, और यही चेंज हम कर रहे हैं अपने कोड में, मैंने क्या लिखा कंसोल डॉट लॉग, कंट्रोल एस किया और हमने इसके इसे एक बार फिर से रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ शो मैसेज किया, देखिए कहीं भी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्या करना होगा आपको, राइट क्लिक करिएगा, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आएगा इंस्पेक्ट का, यहाँ पर क्लिक करिएगा इंस्पेक्ट, जैसे आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे आप राइट हैंड साइड में देखिए एक छोटी सी विंडो खुल के आ गई है,
जहां पर ऊपर की तरफ एलिमेंट, कंसोल, सोर्स, नेटवर्क, परफॉर्मेंस इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे कंसोल पे आप क्लिक कर दीजिए, तो ये देखिए कंसोल पे आ गया वेलकम टू जिस्ट। फिर मैंने इस बटन पे क्लिक किया, फिर वेलकम टू जिस्ट। जितनी बार हम क्लिक करते जा रहे हैं उतनी बार यहाँ कहाँ पे आता जा रहा है, कंसोल पर आता चला जा रहा है। तो कंसोल पे प्रिंट करने से कोई मतलब नहीं है अगर आप मैसेज यूजर को दिखाना चाहते हैं। इट इज ओनली फॉर डेवलपमेंट पर्पज। जब कोई डेवलपर होता है और वो अपने कोड को चेक करता है तो तब वो यूज करेगा कंसोल डॉट लॉग। अब आते हैं तीसरे चौथे मेथड पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे ज्यादा यूज में आनी है आपको, शोइंग द आउटपुट इनसाइड एनी एचटीएमएल एलिमेंट। हमको किसी एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर दिखाना है, लाइक इनसाइड एनी टेक्स्ट बॉक्स, इनसाइड एनी पैराग्राफ और डिवीजन। पैराग्राफ और डिवीजन मतलब या तो पी टैग या फिर डिव टैग, या तो पी टैग या फिर डिव टैग के अंदर दिखाना है। तो किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिखा दें, हम क्लिक करें और मेरे पास कोई या पैराग्राफ कोई बना हुआ उसमें जाके इंसर्ट हो जाए वो वाली वीडियो। तो ये सबसे ज्यादा हमें काम में आने वाली है, कौन सा तरीका, इनसाइड एनी एचटीएमएल एलिमेंट। तो यहाँ पर टू शो द मैसेज वैल्यू और आउटपुट इनसाइड द इनपुट कंट्रोल। अगर हम इनपुट कंट्रोल की बात करें, इनपुट कंट्रोल मतलब जिनके आगे लिखा होता है इनपुट टाइप इक्वल टू, है ना, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। तो टेक्स्ट बॉक्स की बात हो या फिर पासवर्ड की बात हो, जिनके आगे भी इनपुट टाइप लिखा हुआ है, अगर आप उनके अंदर कोई वैल्यू दिखाना चाहते हैं, इनपुट कंट्रोल वी हैव टू यूज their id and value attribute। अगर मुझे किसी भी इनपुट कंट्रोल के अंदर वैल्यू दिखानी है तो मुझे आईडी तो चाहिए उसकी, क्योंकि मुझे डिटरमाइन करना पड़ेगा। जैसे कल हमने देखा था एग्जांपल कि बॉडी का बैकग्राउंड चेंज करना था, तो हमने एक तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट से किया, फिर हमने आईडी ली थी। तो किसी भी एचटीएमएल को अगर आइडेंटिफाई करना है, मुझे अब तीन टेक्स्ट बॉक्स हैं तो मुझे दूसरे वाले पे कोई चीज प्रिंट करनी है, तो ये कैसे पता लगाएगा जावास्क्रिप्ट? तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आईडी। हमने शुरू की क्लासेस में बताया, पिछली क्लासेस में, कि आपको जावास्क्रिप्ट के साथ अगर किसी एचटीएमएल को एसोसिएट करना है तो आपको वहां पर आईडी एट्रीब्यूट देना होगा, जिससे जावास्क्रिप्ट पता लगा ले। और उस आईडी से अगर आपने एलिमेंट का पता लगाया तो उसको राइट करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना होगा, वैल्यू एट्रीब्यूट। तो कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। पढ़ा था हमने, यहाँ पे आईडी ऑफ कंट्रोल लिखेंगे जो भी एचटीएमएल कंट्रोल है, डॉट क्या लिख देंगे, वैल्यू, डॉट वैल्यू इक्वल टू जो भी आपका मैसेज है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, जो भी आपका मैसेज है वो यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है। तो आईडी की जगह यहाँ पे आईडी लिखना है, डॉट वैल्यू इक्वल टू मैसेज लिख दीजिए। ये किसके लिए काम करेगा, इनपुट कंट्रोल मतलब टेक्स्ट बॉक्स एनी इनपुट कंट्रोल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एनी इनपुट कंट्रोल मतलब हम दिखा सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में, पासवर्ड फील्ड में, अगर इस तरह से इनपुट टाइप इक्वल टू बटन के अंदर भी हम दिखा सकते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। तो इन बटन पे अगर कोई वैल्यू दिखानी है, इन बटनों पर जहां भी इनपुट टाइप इक्वल टू हम लिखते हैं वहां पर क्या तरीका है, आप वैल्यू एट्रीब्यूट यूज करेंगे। तो इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल वन, पहला एग्जांपल यह है कि यहां पर हम एक और कंट्रोल बना लेते हैं। अभी देखिए हमारे कंट्रोल पे केवल शो मैसेज बटन आ रही है, हम नीचे क्या बना लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, जहां पर मैं वैल्यू इस पर क्लिक करूं तो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू आनी चाहिए। तो देखिए मैंने क्या बना लिया, एक टेक्स्ट बॉक्स, या तो ऊपर या तो नीचे, जहां भी बनाना है, हमने यहां बना लिया इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अब यहां पर नेम आप ले लीजिए T1 या जो भी लेना है, लेकिन आईडी भी ले लीजिए, आईडी भी आपको सेम टू सेम ले लेनी है, आप अलग भी ले सकते हैं, बट आई प्रेफर कि आप सेम ले, जो नेम ले वही आप आईडी ले लें। आईडी जावास्क्रिप्ट के लिए है,
आईडी किसके लिए है, जावास्क्रिप्ट इससे डिटरमाइन करेगा। नेम किसके लिए है, सर्वर के लिए। जब आप सबमिट करते हैं तो गेट और पोस्ट मेथड से क्या जाता है, नेम, आईडी नहीं जाता, वहां क्या जाएगा, नेम। लेकिन जावास्क्रिप्ट किससे डिटरमाइन करेगा, आईडी से। और मैंने यहाँ पे ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब इस आईडी पे दिखाना मुझे, तो मैंने यहाँ पे console.log हटाया और हमने लिखा मुझे इस आईडी पे दिखाना है, तो document.getElements element by आईडी, आईडी क्या है इसकी, t1 में दिखाना है। बट दिखाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट होता है यहाँ पे, वैल्यू, और वैल्यू इक्वल टू हम मैसेज दे देंगे जो भी चाहिए, हमने लिख दिया वेलकम टू जिस्ट। तो ये जो मैसेज आ रहा है, ये जो भी मैसेज मैंने लिखा है, ये कहाँ जाके देखेगा, t1 की वैल्यू पर। तो t1 जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं, सॉरी इनपुट कंट्रोल होते हैं, उनमें कौन से एट्रीब्यूट होता है, वैल्यू एट्रीब्यूट। मैंने कंट्रोल एस किया, पेज को रिफ्रेश किया, देखिए ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आ गया। अब मैंने शो मैसेज किया तो देखिए वेलकम टू जिस्ट इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ रहा है, आ रहा है। अब एक बार क्लिक किया, दोबारा क्लिक करेंगे तो उसके लिए वो आ रहा है, बट वो ओवरराइड हो रहा है, उसमें एक्स्ट्रा नहीं जोड़ रहा है, क्योंकि तो जितनी बार हम लिखेंगे पुराने को हटा कर ये वैल्यू सेट करता है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, हम चाहते हैं एक बटन और बना लें, क्लियर टेक्स्ट बॉक्स, शो वैल्यू, शो मैसेज और क्लियर मैसेज यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्लियर करूँ, ये टेक्स्ट बॉक्स क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा ट्रिकी काम है। क्लियर करने के लिए मैंने एक फंक्शन बना लिया, और एक शो मैसेज हो गया, एक फंक्शन बना लिया हमने क्लियर मैसेज। क्लियर मैसेज में मुझे यही करना है, बस थोड़ा सा मतलब ट्रिक ये लगा देना है कि जब हम मैसेज क्लियर करें तो वैल्यू जो लिखा हुआ वेलकम टू जिस्ट वो वैल्यू हट जाए, हट जाए इन द सेंस एम्प्टी लिख दीजिए, वैल्यू इक्वल टू क्या लिख दिया, एम्प्टी। तो जब ये कॉल करेंगे तो वैल्यू की जगह क्या लिखेगा, ब्लैंक, और जब शो मैसेज कॉल होगा तो वैल्यू की जगह क्या लिखेगा, वेलकम टू जिस्ट। तो इस वैल्यू को कॉल करने के लिए एक बटन और हमने बना ली, एक बटन और बना ली, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन ही ले लिया। वैल्यू शो मैसेज के बजाय हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्लियर मैसेज। और यहाँ पर देखिए ये है मैसेज, वैल्यू जो आप लिख रहे हैं ये दिखाने के लिए, यूजर के लिए प्रॉम्प्ट है। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, लोअर केस, अपर केस, या रीसेट मैसेज, कुछ भी लिखें, बट ऑन क्लिक में वही फंक्शन का नाम लिखिएगा जो कॉल करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिना किसी एरर का। अगर यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ भी स्पेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा था, क्लियर MSG, तो क्लियर MSG को कॉल कर लिया। अब देखिए रिफ्रेश किया, शो मैसेज में डेटा आएगा, क्लियर मैसेज से डेटा जाएगा, शो मैसेज से डेटा आएगा, क्लियर मैसेज से डेटा जाएगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ यूजर अपना मैसेज टाइप कर दे, कर दिया हमने, लेकिन क्लियर करेंगे तो वो भी डिलीट होगा, क्योंकि क्लियर सबके लिए काम कर रहा है। अगर मैं अपना मैसेज लिखूं और फिर शो मैसेज क्लिक करूं तो मेरा ओवरराइट हो जाएगा, मतलब मेरा मैसेज हट के इसका मैसेज आ जाएगा, ये देखिए। तो आप अगर कोई ऐसा टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं जिसमें आप टाइप नहीं करना चाहते हैं, केवल आप बटन के थ्रू काम करना चाहते हैं, तो ऐसे टेक्स्ट बॉक्स को आप रीड ओनली भी कर सकते हैं। याद रखिए क्या कर सकते हैं, रीड ओनली इक्वल टू रीड ओनली कर दीजिए। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स में आप डेटा दिखा तो सकते हैं लेकिन आप टाइप नहीं कर सकते। कि मैंने यहाँ लिखा, ये देखिए मैं टाइप करने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी टाइप नहीं हो रहा, क्योंकि रीड ऑनली अब शो होगा और क्लियर होगा। तो ये वाला प्रोग्राम आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल 1, जिस पर हमने जो कल एक मेथड पढ़ाई थी document.getElements by ID, उसी को यूज किया हुआ है। अब यहाँ पे यूज करते समय एक चीज को याद रखा, कल हमने क्या चेंज किया था, डॉट बॉडी का बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर। आज हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू सेट कर रहे हैं। तो जब भी किसी कंट्रोल पे काम करना जावास्क्रिप्ट से, तो याद से उसका एक आईडी ले लेना है आपको, और आईडी को जावास्क्रिप्ट के अंदर किसके थ्रू एक्सेस करना है, document.getElements by ID, और आप आईडी पास करिए, और जो भी उस कंट्रोल के एट्रीब्यूट्स हैं वो आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे एट्रीब्यूट्स कंट्रोल में सपोर्टेड होने चाहिए, अगर सपोर्टेड नहीं है तो काम नहीं करेगा। इसीलिए फिर हम आगे जाकर यहाँ पे CSS प्रॉपर्टी भी देखेंगे, क्योंकि CSS एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सभी के साथ काम करेगी। तो ये हमने टेक्स्ट फील्ड में बनाना देख लिया। दूसरा तरीका क्या हमने कहा कि टू शो द आउटपुट, इसको मैं थोड़ा सेपरेशन कर दूं यहाँ ताकि पता रहे कि यहाँ से दूसरी चीज बता रहा हूं मैं। तो शो द आउटपुट और मैसेज
इनसाइड पैराग्राफ एंड डिवीजन। पैराग्राफ और डिवीजन की अगर हम बात करें और एनी अदर ब्लॉक कंटेंट, ब्लॉक कंटेंट्स और भी हैं यहाँ, जैसे टेबल है, टेबल के अंदर डेटा देना है, मतलब टीडी वगैरह जिसके अंदर वैल्यू नहीं होती, टीडी टीडी के अंदर वैल्यू हम डायरेक्ट लिखते हैं और टीडी बंद कर देते हैं, टीडी हुआ, स्पैन हुआ, सेलेक्ट हुआ, जिसमें इनपुट टाइप नहीं लिखते, मतलब तो जो इनपुट टाइप के अलावा जो डेटा है, जो भी आपके एलिमेंट है, सेलेक्ट हुआ, इस तरह के जो एलिमेंट हैं, अगर आपको इनके अंदर वैल्यू दिखानी है एटसेट्रा ईटीसी, वी हैव टू यूज आईडी and inner html attribute। ठीक है, कौन सा attribute use करना होगा, id तो use करना ही होगा, लेकिन एक और inner html, spelling देख लीजिए, inner html को ऐसे ही लिखना है, inner html तो html capital है, inner तो lower case से शुरू होगा, हमने inner html, html capital रहेगा, तो आईडी तो यूज करना ही है आपको, किसके लिए, ताकि आप उसे पहचान पाए जावास्क्रिप्ट के अंदर, और उनके अंदर अगर कोई वैल्यू चाहिए तो मुझे इनर एचटीएमएल एट्रीब्यूट लगाना है, अगर मुझे इनपुट कंट्रोल में चाहिए तो वैल्यू एट्रीब्यूट लगाना है, और अगर मुझे पैराग्राफ डिवीजन ऐसी जगहों पे वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या लगाना, इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल, तो मैं लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, सपोज की जो भी आईडी है हमने P1 पैराग्राफ मान लिया, उसके अंदर कोई वैल्यू दिखानी है, पैराग्राफ में वैल्यू नहीं चलता, पैराग्राफ में क्या चलेगा, इनर एचटीएमएल, और आप यहाँ पे मैसेज दिखा दीजिए, वेलकम वेलकम टू दिस, आप ये मैसेज वगैरह चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर आप हेडिंग वगैरह बोल्ड वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं, जहां भी आप मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर आप एचटीएमएल के टैग भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे लगाया और स्लैश H2 कर दिया, तो यहाँ पे हमने कर लिया, सपोज कर लेते हैं, सपोज वी हैव अ पैराग्राफ टैग हैविंग द आईडी P1, मान लिया हमने कि हमारे पास एक पैराग्राफ टैग है जिसकी आईडी P1 है, उसके अंदर डेटा दिखाना है जावास्क्रिप्ट पे यूज करके, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, अब हमने लिख दिया एग्जांपल, चलिए हम बना लेते हैं पैराग्राफ, तो इसी को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, तो नीचे हम पैराग्राफ बना लेते हैं, तो नीचे हम पैराग्राफ बना लेते हैं, तो ये वाली बटन हमने यहाँ से हटा दिया, इनपुट कंट्रोल, नीचे हमने क्या बना दिया, ब्रेक करके कुछ पैराग्राफ बना देते हैं, तो हमने P बना लिया, आईडी इक्वल टू क्या दे दिया, P1, पैराग्राफ थोड़ा दिखे कि हाँ इतना ही पैराग्राफ है, तो उसके थोड़ी स्टाइलिंग कर दी हमने, पैराग्राफ की विड्थ हमने कर दी 400 पिक्सल, हमने पैराग्राफ की हाइट कर दी, CSS वगैरह आप लगा सकते हैं जहां भी लगाना है, डिजाइनिंग के लिए अब पूरी छूट है आपको, अब किस हिसाब से डिजाइन करें, अभी हम नहीं लिख रहे ज्यादा डिजाइनिंग क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट पर, हमने कर लिया, और हम एक चीज कर देते हैं, बॉर्डर डाल देते हैं, चलिए बॉर्डर स्टाइल हमने क्या कर दिया, सॉलिड, और हमने कर दिया बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ कर देते हैं, बॉर्डर विड्थ हमने कर दी 2 पिक्सल, पैराग्राफ दिख रहा कि नहीं पहले ये देखना जरूरी है, तो हम जा रहे हैं रिफ्रेश कर रहे हैं, देखिए ये पैराग्राफ हो गया, इतना सा पैराग्राफ है, क्योंकि हम अगर स्टाइलिंग नहीं करेंगे तो पैराग्राफ तो बना रहेगा यहाँ लेकिन दिखेगा नहीं, तो पैराग्राफ में जब तक टेक्स्ट नहीं होगा तब तक दिखाई नहीं देगा, और अगर टेक्स्ट भी डालेंगे तो टेक्स्ट तो दिखेगा लेकिन ये डिटरमाइन नहीं होगा पैराग्राफ कितने में फैला हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्टाइलिंग, अब देखिए मैं शो मैसेज कर रहा हूँ तो अभी तक कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी तो टेक्स्ट फील्ड की कोडिंग थी, इस पर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर आए, किस पर, इस पैराग्राफ के अंदर, तो पैराग्राफ के अंदर लाने के लिए हमें अपने बटन पे कोई चेंज नहीं करना, शो मैसेज पे जाके चेंज करना है, बाकी सब कुछ एज़ इट इज़ है, मैं फंक्शन कॉल किया हुआ है लेकिन ये जो फंक्शन काम कर रहा है T1 पे, इसे काम कराना है P1 पे, क्योंकि पैराग्राफ की आईडी क्या है, P1, अब चलिए मैंने लिख भी दिया P1.value तो भी ये काम नहीं करेगा, रिफ्रेश किया, ठीक है, क्योंकि P1 में वैल्यू नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं है, पैराग्राफ में अगर कोई वैल्यू डालनी है तो मुझे वैल्यू हटाकर क्या लिखना होगा, इनर एचटीएमएल, कंट्रोल एस किया, फिर से एक बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं, ये देखिए वेलकम टू जिस्ट आ गया,
लेकिन ये नॉर्मल आ रहा, हम चाहते हैं हेडिंग भी आए इस पर, तो आप इसी वेलकम टू जिस्ट पे हमने एक हेडिंग लगा दिया H2 और यहाँ क्या लिख दिया /H2। तो अब ये किस पर आएगा, हेडिंग के फॉर्मेट में आएगा। रिफ्रेश किया मैं अब, लेकिन हाँ मैं बार बार भी क्लिक करूंगा तो भी दोबारा नहीं आ रहा, क्योंकि एक्चुअली आ रहा है बट वो ओवर राइट हो रहा है, सेम प्लेस पर उसी की जगह पर दूसरा राइट हो रहा है, तो पिछला क्या हो रहा, ओवर राइट हो रहा। क्लियर मैसेज करूं तो ये हट जाना चाहिए, तो इस बार मैंने वैल्यू हटाकर यहाँ क्या लिख दिया, इनर HTML, और इसकी ID T1 की बजाय क्या कर दी, P1। कंट्रोल S, तो ये इम्प्लीमेंट हो गया। शो मैसेज, क्लियर मैसेज, शो मैसेज, क्लियर मैसेज। अब हम एक चीज और इसमें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मैं जितनी बार क्लिक करूं यहाँ पे मैसेज ऐड होता जाए, नया मैसेज, ठीक है। तो वो भी आप देखिए, पहले इस कोड को हम लिख देते हैं एग्जांपल, और एक नोट डाल देते हैं। When we call the function that, when we call the function that show the message, so the output using value or inner HTML attribute, जब भी इस तरह के एट्रीब्यूट से कॉल करते हैं, एट दैट टाइम वी कैन सी दैट फंक्शन विल नॉट एड मोर मैसेजेस और आउटपुट वाइल मेकिंग क्लिक और इवेंट मल्टीपल टाइम। जब आप बार बार कर रहे हैं तो वो ज्यादा मैसेज ऐड नहीं हो रहा है। दिस इज क्यों ऐसा हो रहा भाई, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट द फंक्शन विल रिप्लेस द ओल्ड वैल्यू, फंक्शन विल रिप्लेस द ओल्ड वैल्यू विथ न्यू आउटपुट। इसलिए वो पुरानी वैल्यू, हाँ अगर आपका आउटपुट बदल रहा होता तो आपको चेंज करता हुआ दिखता कि हाँ भाई ये दूसरा आउटपुट आ गया, बट एक्चुअली आउटपुट भी वही है और पहले से भी वही लिखा हुआ है, इसलिए आपको पुराना वैल्यू क्या हो रहा है, ओवरराइट करके दिख रहा है और नया वैल्यू इसमें ऐड नहीं हो रहा। तो दिस इज बिकॉज दैट द फंक्शन विल रिप्लेस द ओल्ड वैल्यू विथ न्यू आउटपुट। आप कैसे कर सकते हैं, if the value, the new value will be changed, if the new value is different from old value, new value मतलब new output की अगर हम बात करें, अगर जो नया output है, if new output, if new output or new value is different from old output, तो आपको दिखेगा कि हाँ पुराना replace हो रहा है, output is different from old output, then we can determine that the value is getting replaced. तो हमें समझ में आएगा कि value replace हो रही है। अभी क्या समझ में आ रहा है कि मैं जितनी बार click कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि दोबारा काम ही नहीं कर रहा function, एक ही बार click काम करके रुक गया। तो अब देखिए इसका एग्जांपल एक देखते हैं कि हम जब भी क्लिक करें तो वैल्यू बदल के आए। अब बदल के कैसे आए वैल्यू, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हम ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं बटन के ऊपर, और हम चाहते हैं जो मैं टेक्स्ट बॉक्स में लिखूं वही शो करने पर यहाँ पर आए, कहाँ पर, जो वेलकम टू जिस्ट है जो भी टेक्स्ट बॉक्स में वो शो हो, जो भी कहाँ है टेक्स्ट बॉक्स में। तो अगर मैं बदल बदल के लिखूंगा टेक्स्ट बॉक्स में तो यहाँ भी बदल बदल के आएगा, इससे पता चलेगा कि हाँ ये काम कर रहा है बट ये ओवरराइट कर रहा है। तो देखिए हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, हमने यहाँ पर बटन से ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स भी बना लिया, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। सिर्फ अभी मैंने आईडी ले ली, आईडी क्या ले ली, T1, और प्लेस होल्डर लिख दिया एंटर सम मैसेज कर दिया, और आप प्लेस होल्डर लिख दिया एंटर सम मैसेज,
और हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि जब मैं इस पे क्लिक करूं, यहां पे कुछ मैसेज लिखूं हेलो, और मैं जब शो मैसेज करूं तो यहां पर हेलो आए, फिर मैंने इसको मिटा के लिख दिया हाय, तो जब मैं यहां क्लिक करूं तो हाय आए, और जब मैं इसको क्लियर कर दूं और फिर क्लिक करूं तो यहां भी क्लियर आए, क्योंकि यहां जो मैसेज है वही यहां आएगा। तो इसकी कोडिंग करने के लिए अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर मुझे कौन सा डेटा दिखाना है, नीचे जो हमने P1 बनाया है इसमें कौन सा डेटा दिखाना है जो T1 में लिखा है, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है T1, आईडी क्या है उसकी T1, तो जो T1 का डेटा है वो यहाँ दिखना चाहिए। तो T1 का डेटा क्या कहलाता है, वैल्यू, इनपुट टाइप है वो, तो जब भी आपको इनपुट कंट्रोल से डेटा लेना है या उसका डेटा देना है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वैल्यू एट्रीब्यूट से, और P1 के लिए क्या है वो इनर HTML। तो यहां देखिएगा थोड़ा सा एक ट्रिक देखिएगा, मैंने लिखा इनर HTML इक्वल टू, अभी मैंने ये हटाया है ये कोड, P1 का इनर HTML इक्वल टू क्या होना चाहिए जो T1 की वैल्यू है, तो मैंने लिखा इनर HTML इक्वल टू, वैल्यू कहां से ले लो T1 से, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट बाय ID, और हमने यहां क्या लिख दिया T1 डॉट वैल्यू। देखिएगा ध्यान से, मैंने लिखा P1 के इनर HTML में क्या आना चाहिए, T1 का वैल्यू, तो T1 को डिनोट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में क्या लिखना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID T1, आप T1 की ID देखिए और उस ID से क्या उठा लीजिए वैल्यू, तो जो यहाँ की वैल्यू है वो यहाँ जाकर क्या बन जाएगा इनर HTML, कंट्रोल S, मैंने रिफ्रेश किया। अब देखिए मैं अब अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ शो मैसेज तो कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मैंने लिख दिया हेलो फ्रॉम जिस्ट और मैंने शो मैसेज किया, ये देखिए हेलो फ्रॉम जिस्ट आया, और मैंने इसे हमने हटा के हमने लिख दिया रमेश कुमार, तो अब ये हेलो जिस्ट मिटा कर क्या लिखिएगा रमेश कुमार, देखिएगा ये क्लिक किया मैंने तो क्या हो गया रमेश कुमार, इससे पता चल रहा है कि हाँ ये रिप्लेस होके दिखा रहा है पुराने वैल्यू को। अब मैंने अगर मैसेज चेंज नहीं किया फिर से शो मैसेज करूंगा तो मुझे ऐसा ही लगेगा जैसे काम नहीं कर रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि रमेश कुमार वो रमेश कुमार से ही रिप्लेस कर रहा है, तो कैसे दिखेगा भाई, क्योंकि वही डेटा पहले था वही डेटा बाद में है, तो पता नहीं चल रहा है, बट हो रहा है वो पुराने रमेश कुमार को हटाकर रमेश कुमार लिख रहा है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा चेंज किया जी लिख दिया, अब आपको समझ में आएगा रमेश कुमार, देखिए जी आ गया, मैंने जी यहाँ से हटा दिया, ये रमेश जी और कुमार दोनों हटा दिया, फिर मैंने यहाँ शो मैसेज पे क्लिक किया तो रमेश आ गया, क्लियर मैसेज किया तो ये क्लियर हुआ। हम एक लाइन और जोड़ देते कि टेक्स्ट बॉक्स भी साथ ही साथ क्लियर करो, जब भी मैं क्लियर करूँ तो पैराग्राफ भी क्लियर करना है और टेक्स्ट बॉक्स भी क्लियर करना है। तो अब यहाँ पे देखिए क्लियर मैसेज में गए, मुझे अलग से फंक्शन नहीं बनाना क्योंकि उसी बटन पे काम होना चाहिए दोनों काम, तो मैं दो लाइनें यहाँ ऐड करूंगा, कल हमने कहा था फंक्शन इज अ सेट और कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट, तो अब हम यहाँ एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, जितने स्टेटमेंट आप लिखना चाहें फंक्शन में लिख दीजिए, वो सारे स्टेटमेंट काम करेंगे जब वो फंक्शन काम करेगा। तो गेट एलिमेंट बाई ID T1 और T1 के इनर HTML नहीं है, T1 का वैल्यू इक्वल टू क्या करना होगा एम्प्टी, आप देखिए एक ही क्लियर से दोनों क्लियर होंगे, मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पे, मैं लिख दिया जिस्टेक और मैंने यहाँ शो किया, ये देखिए शो किया दोनों जगह जिस्टेक है, मैंने क्लियर किया दोनों जगह से हट गया, वहां वापस लिखा हुआ गया एंटर सम मैसेज। तो ये एक सैंपल प्रोग्राम से बताने की कोशिश करी हमने आपको कि किस तरह से हम एक कंट्रोल से डेटा ले सकते हैं और उसे दूसरे पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी T1 डॉट वैल्यू, यहाँ से वैल्यू उठाया है और उसे कहाँ सेट किया है T1 के इनर HTML में। तो इस तरह से और भी एग्जांपल्स हैं जो भी आप अगली क्लासेस में देखते जाएंगे और एग्जांपल प्रैक्टिस करते जाइए तो जावास्क्रिप्ट में मजा आएगा, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर जावास्क्रिप्ट में आगे जाके थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि प्रोग्रामिंग शुरू होने वाली है, अभी तो प्रोग्रामिंग तक पहुंचे ही नहीं है, अभी हमने सिर्फ ये दिखाया। चलिए एक टास्क आपको दे रहा हूं मैं, टास्क क्या है समझ लीजिए कि यहाँ जैसे एक टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ दो टेक्स्ट बॉक्स बनाने हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और इसमें कुछ टाइप करना है, एक बटन बनानी है इंटरचेंज नाम की, जैसे इंटरचेंज पे क्लिक करूंगा तो ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स का डेटा नीचे वाले पे आ जाए और नीचे वाले का डेटा किस पे चला जाए ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स पे आ जाए, ये काम करना है। ठीक है, two text boxes and a button
बटन में क्या लिखना है, इंटरचेंज, इंटरचेंज। व्हेन यूजर क्लिक ऑन बटन, क्लिक ऑन बटन, द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस शुड बी इंटरचेंज्ड, क्या हो जाने चाहिए, इंटरचेंज हो जाने चाहिए। तो ये आपका टास्क रहेगा, इज दैट क्लियर। और आगे कल की क्लास में आप देखेंगे, आज आपकी क्लास दूसरी क्लास हो सकता लग रही है, तो कंप्लीट कर दिया हमने इसको, कल की क्लास में हम देखेंगे और भी चीजें।